तो लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था लूप्स के बारे में। चलिए हम लूप्स से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करते हैं। आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक प्रोजेक्ट जो कि लूप के अकॉर्डिंग है एंड लूप एंड डेटा सिलेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग रहेगा। हम बात कर रहे हैं डेटा कोलेशन की। अभी क्या है कि मेरे पास मान लीजिए मैं एक डेटा क्रिएट करता हूं कि मंथ सेल्स। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें आपको भी कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। सर विंडो आ नहीं रही, आई थिंक। अब जैसे कि हमने इसको कॉपी करके, मेरे पास एक डेटा है, इसको मैं कई सारे शीट पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कई सारे शीट। तो मेरे पास एक साथ कई सारे शीट में डेटा है, आप देख रहे हैं। अभी करना ही क्या है कि सबसे लास्ट में हमारे पास एक शीट है, सबसे लास्ट में हमारे पास शीट है जिसका नाम डेटा है। तो मुझे इन सारे डेटा की कॉपी जो है उठा के इसमें पेस्ट करनी है। तो विद वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग हमें करना क्या है कि हमें कई सारे शीट का डेटा एक शीट के अंदर कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करना है। इसको हम लोग डेटा कैलकुलेशन भी कहते हैं, ताकि एक को की मान लीजिए कि अलग अलग जगह से डेटा आया हुआ है, एक साथ इसको कंबाइन करेंगे तभी हम इस पे समरी पिवट और बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं। इसलिए हमें इसको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम मैक्रोज लिखते हैं, विजुअल बेसिक इंसर्ट मॉड्यूल्स में जाते हैं और यहां पे हम देते हैं सब्जेक्ट और यहां पे कॉपी के नाम से मैक्रो बनाते हैं और देते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 शीट्स डॉट काउंट -1। हमने सीट को डॉट काउंट -1 क्यों किया, क्योंकि हम जो लास्ट सीट है वो डेटा शीट है। तो लास्ट सीट पे तो मुझे करनी ही है, मतलब कि जो लास्ट सीट है उस पे तो हमें कॉपी पेस्ट करना ही है। इसलिए एक हमने -1 किया। अब बात तो करता हूं कि सीट्स और यहां पे हमने किया आई डॉट सेलेक्ट, वो सीट पे गए और फिर हमने रेंज A1 पे कर्सर रखा, या फिर जो भी आपके डेटा जो रिक्वायर सिलेक्शन मेथड है उसका इस्तेमाल करें। डॉट हम देते हैं यहां पे कंट्रोल ए के लिए करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। यहां पे सेलेक्ट और फिर
सिलेक्शन डॉट कॉपी, उसके बाद हम जाएंगे शीट्स डेटा, डेटा डॉट सेलेक्ट और रेंज, सबसे लास्ट में जाया करना था ना, हमें इसको सबसे लास्ट में जाया करना है, तो यहां पे देंगे ए 65,000 डॉट एंड, और इसमें देंगे हम एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट और यहां 1,0 डॉट सेलेक्ट और फिर कर देते हैं एक्टिव शीट डॉट पीएसटी पेस्ट और फिर नेक्स्ट कर देखिए इसको। ठीक है, सुनाया सर? अब इसको एक बार आप लोग परफॉर्म करके देखिए, विजुअल बेसिक में जाकर उसमें माइक्रोज और कॉपी को सब डेटा कॉपी पेस्ट कर दीजिए, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत है, इसमें कुछ दिक्कत है और दिक्कत क्या है चलिए वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कि दिक्कत यह है कि जो मंथ हेडिंग देख रहे हैं ना आपका, ये हेडिंग भी पेस्ट हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि यहां पे हेडिंग पेस्ट ना हो, ठीक है, मैं चाहता हूं कि हेडिंग पेस्ट ना हो, क्योंकि हम एक हेडिंग जो है ऑलरेडी यहां रख दिए हैं और बाकी हम चाहते हैं कि इसमें हेडिंग पेस्ट ना हो, तो कैसे करेंगे? देखिए सिंपल, इसके लिए हम एक मेथड देखते हैं कि जब भी हम इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हैं, हम यहां पे पेस्ट करें तो इसका देख रहे हेडिंग जो है वही हमारा एक्टिवेट होता है, होता है। तो कोड में क्या करेंगे, यहां लिखेंगे जब पेस्ट कर दें तब लिखेंगे कि एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। तो क्या होगा, अब क्या होगा कि अब एंटायर रो जो है इसका
रन करते हैं, रोटेट कर देगा तो हेडिंग हमारा एक ही आएगा। पहला तो ए रहा, ठीक है। अब देखिए, अब कोड को थोड़ा सा आए हो गया, ये तो चलो कोड बन गया, आप कोड को थोड़ा सा सिंपलाइज करते हैं। हम लोग कोड को भी सिंपलाइज कर सकते हैं, कैसे देखिए यहां पे जैसे करेंट डिजन डॉट सेलेक्ट और फिर सिलेक्शन डॉट कॉपी है, तो हम यहां पे डायरेक्ट सिलेक्ट के जगह पे डायरेक्ट हम कॉपी लिख सकते हैं, और इससे क्या होगा कि सिलेक्शन वाला लाइन हमारा हट जाएगा। ठीक, एडर और सिलेक्ट एंड डॉट सिलेक्ट और एक्टिव और सीट पेस्ट जो है, तो यहीं पे हम देखिए पेस्ट जो है वो एक्टिव सीट का पार्ट है, सीट का पार्ट है, बट पेस्ट स्पेशल जो है रेंज का पार्ट है। तो क्यों ना इसको हम पेस्ट स्पेशल कर दे, तो पेस्ट स्पेशल में हम पेस्ट ऑल कर देते जो कि कॉपी पेस्ट जैसा ही होता है, तो यहां पे हम इसको एक्टिव हटा सकते हैं। तो हमने कितने दो लाइनें हटा दी हमने, और सिंपलाइज हो गया। तो कोड लगाने के बाद आप एक बार नजर मार लें कि कोड को कौन सी लाइन का हटा सकते हैं, क्योंकि जितनी कम लाइनें रहेगी उतना जल्दी और जितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा आपका ये एक्सेल। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, ये हो गया। तो इसमें आपने एक देखा इस तरह से, अब इसमें समझ में आ गया आप लोगों को सर? हेलो, समझ में आया आप लोगों को? हेलो, समझ में आया? हाँ सर, बट सर एक चीज पूछनी थी सर, जो हेडिंग एक बार हमें मैन्युअली देनी पड़ेगी ना, फिर वो सारी डिलीट कर देगा नहीं तो? हाँ मैनुअली देना पड़ेगा, अगर नहीं देना चाहते तो ऊपर उसकी कॉपी डालने की एक कोड डाल दो। हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को करना क्या, एक को एक फाइल में भी इसमें ड्राइव में डालता हूँ, करना क्या है देखिए, इसमें करना ये है कि अभी अब डेटा तो हमने कॉपी कर लिया, लेकिन मुझे सेपरेट करना होगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो मैं चाहता हूं सेपरेशन इन द सेंस कि यहां पे शीट्स का नेम आना चाहिए, शीट्स नेम। तो आपको इस कोड के अंदर, ये फाइल में आप लोगों को भेज देता हूं, अब इस कोड के अंदर कुछ ऐसा करना है जिससे जब मैं रन करूं तो डेटा कॉपी पेस्ट हो ही साथ में उसका सीट का नेम भी आ जाए, हो जाएगा? ओके सर। तो ये हम ड्राइव में कर देते हैं, और सारे वीडियोज अप टू डेटेड हैं।